हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी दिनों से मैसेज आया था, रिक्वेस्टेड आ रहा था कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए। तो मेरा एक वीडियो पहले गया है काफ़ी टाइम पे, और उसको आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों का दिल से आभार है। और पार्ट टू मैं आज आपके बीच लेके आई हूँ ये वीडियो। और आप लोगों को अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। सबसे ज़्यादा आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आप लोग आशीर्वाद रहेगा आप लोगों का मेरे साथ, और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का साथ भी हमारे साथ है और आप लोग हमारी वीडियो को फुल देखते हैं। और देखिए, आज मैं दुपट्टा, मैंने लाइट दुपट्टा लिया है, हल्के शिफॉन पे दुपट्टा है, और मैं फेस को अपने कवर कर रही हूँ और नेक को कवर नहीं करना है। पिछली बार मैं नेक को भी कवर कर ली थी, और इस बार मुझे नेक कवर नहीं करना है, केवल फेस को अपने अच्छे से कवर करना है और फिर अपने घर की सफाई करना है। तो देखिए, मैंने अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है और मैं घर की सफाई करने जा रही हूँ। और वीडियो को आप फुल देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो अगर आप लोगों को ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से अपने फेस को कवर कर लिया है। आप भी इस तरह फेस कवर कर सकते हैं और अपने घर की सफाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने किस तरह से फेस कवर किया है, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मैंने फेस कवर किस तरह किया है, सही है या गलत है, वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए, और वो तो आप लोग ही बता पाएंगे। और देखिए, मैं नाक के पास ये लाइट कर दिया है मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, सांस लेने में बहुत दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने लाइट दुपट्टा ही लिया है, शिफॉन का दुपट्टा है। तो फिर मैं अपने रूम को सबसे पहले साफ करने जा रही हूँ। ब्लैंकेट वगैरह जो है, बच्चे उठते हैं, हम भी उठते हैं, रात में कूलर चलता है तो मौसम ठंडा गर्म हुआ करता है, इसलिए ब्लैंकेट का भी काम पड़ जाता है, क्योंकि रात में ठंड भी लगती है, और फिर इसलिए ब्लैंकेट को हम लोग भी उड़ते हैं, इसलिए पतला चादर हमने नहीं निकाला है, क्योंकि मौसम भी समय चेंज ही हुआ करता है। और फिर मैं इसको ब्लैंकेट सही कर लूँगी, फिर मुझे बेडशीट चेंज करना, ठीक करना है। बेडशीट को ठीक करने के बाद मुझे सफाई करना शुरू कर देना है, मुझे सफाई करना है। और आप लोग भी वीडियो को फुल देखिए, और जो कमी है और जो सही है गलत है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को हमारा आज का ये रिक्वेस्टेड वीडियो कैसा लगा है, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फटाफट मैं पहले बेडशीट को सही कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे की वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने बेडशीट को सही कर लिया है, अब मैं बेड साफ़ करने जा रही हूँ। बेड साफ़ करने के लिए हमने सैनिटाइज़र लिया है, क्योंकि इस समय सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, और मैं उसी से डाल के जो है अब मैं इसको बेड को साफ़ करूँगी। इस समय मैं कमरे में अपने डालती हूँ, पूरे घर में भी सैनिटाइज़र का यूज़ करती हूँ, डाल देती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ इस समय, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो मैं इस समय वही यूज़ कर रही हूँ और कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको कपड़ा पानी में भिगो चुकी हूँ और फिर सैनिटाइज़र डाल दूँगी, और जब सैनिटाइज़र मैं पूरे कमरे में डालती हूँ, सफ़ाई करने के बाद डालती हूँ, और मैं सफ़ाई भी इसी से करती हूँ। तो रूम हमारा आधा साफ़ हो चुका है, थोड़ा सा सफाई और बचा है, क्योंकि नीचे भी बिछा लेते हैं, बच्चे भी बैठा करते हैं, ज़रूरी रहता है, और कुछ बहुत खेलता भी है, इसलिए नीचे भी बिछाते हैं, इसलिए नीचे का भी
चद्दर हमको सही करना है और सबसे पहले हटा दिए, जब पहले हम सैनिटाइजर कर रहे हैं कमरे में और खिड़की यहाँ साफ़ कर रहे हैं, दरवाजे भी साफ करते हैं इसी से, तो इसको डालने के बाद ही हम सफाई करेंगे। जैसा एक तरफ मैंने साफ़ कर दिया है खिड़की वगैरह, दूसरी तरफ से और खिड़कियों को साफ़ करना है। और कृष्णा है, केशव है, दोनों बैठ के कार्टून देख रहे हैं, टीवी चल रही है, बच्चे भी क्या करें, ना उन लोगों को घर से बाहर निकलना है, ना पढ़ाई स्कूल जाना है, बस घर में ऑनलाइन ही क्लास चल जा रहा है, तो बच्चे भी थोड़ा परेशान रहते हैं, इसलिए टीवी वगैरह भी देख रहे हैं लोग, इसलिए टीवी चला के कार्टून देख रहे हैं। और पढ़ाई सुबह के टाइम पर चलता है ऑनलाइन, तो इन लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। बस स्कूल जाने की बात तो अलग होती है और घर की पढ़ाई में भी अंतर होता है, बट बच्चों की पढ़ाई 2 साल से बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चे भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। पर घर में जो थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह बैठा हट समय ट्यूशन भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं हमारे, तो घर में ही अपने मन से पढ़ाई कर रहे हैं और जो क्लास वगैरह चल रहा है बस थोड़ी बहुत पढ़ाई इससे चल रही है। चलिए माहौल जल्दी से सही हो जाएगा, फिर बच्चे भी अच्छे स्कूल जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई भी सही होगी। अभी तो सारे बच्चों का भी पढ़ाई सब डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, रूम में झाड़ू लगाऊंगी और मैं पोछा लगाऊंगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक जोड़ करिएगा और अपना सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को बढ़ाइए, मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, आप लोग अपना साथ दीजिएगा और आप लोग वीडियो को फुल इंजॉय करिए और आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो में कौन सी कमी है, उसको मैं ठीक करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। प्लीज़ प्लीज़ आप अपना साथ दीजिएगा, हमारे वीडियो को फुल देखिएगा, हमारे वीडियो में कमी नज़र आएगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग हमारी कमी को बताओगे और आप लोग मेरी कमी को बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। तो फिर आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए और अपना सहयोग दीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स, हमारा झाड़ू भी हो चुका, हमारा घर भी साफ हो चुका है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के लिए मैं सैनिटाइज़र का ही यूज़ करूँगी, मैं जैसा कि मैंने आपसे बताया है, और मैं थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल चुकी हूँ, अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग बनाए रखिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। और चलिए फिर मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कुछ नया सा ब्लॉग लेकर आऊँगी, तब तक कि आप अपना ध्यान रखिएगा। जय सियाराम।